हेलो गाइस, आज की क्लास में डिस्कस करते हैं वेरिएशन इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आखिर होता क्या है, किस इस डायरेक्शन में होगा तो उसे क्या बोलेंगे, वेस्ट में क्या होगा तो क्या बोलेंगे, कंपटीशन में देखा जाए इसके इंपॉर्टेंस, तो कंपटीशन में इसमें से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का वेरिएशन अगर होगा तो किस किस तरीके से होगा। तो वेरिएशन का मतलब ये है कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो चुंबकीय दिक्पात है वो किस तरह से समय पर कैसे डिपेंड करता है, स्थान पर कैसे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक नोट यहाँ पर लिख लेते हैं कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का मान समय के साथ बदलता है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का मान, यहाँ पर मैं MD से लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का मान समय के साथ बदलता है। दूसरा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पॉइंट कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का मान स्थान के साथ भी बदल जाता है, जैसे जैसे स्थान के साथ बदलता है। तीसरा हमारा पॉइंट है यहाँ पर कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का मान हम कैसे डिफाइन कर पाते हैं, का मान एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के आधार पर बताते हैं। तो अब आपको पिछला लेक्चर थोड़ा सा एक बार देखना होगा कि हमने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के आधार पर क्योंकि देखिए एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के आधार पर ही हमें पता चल पाता है कि मैग्नेटिक मेरिडियन में क्या चेंजेस आएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन हमारा समय और स्थान के हिसाब से चेंज होता है और उसमें बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। तो इसके लिए आपको डिटेल में अगर आपको जानना है तो पिछली वीडियो प्लीज़ आप देखें, इससे आपको क्लियर होगा कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के आधार पर क्या इफेक्ट पड़ता है हमारा ट्रू मेरिडियन एंड और मैग्नेटिक मेरिडियन पर। तो आज बात करते हैं कि इनमें बदलाव कैसे आएंगे। तो सबसे पहला मैंने पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का मान समय के साथ बदलता है, और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि स्थान के साथ भी बदलता है, और इसे बता कैसे पाते हैं हम बता पाते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के आधार पर। तो कितने टाइप का होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन? तो सबसे पहला हमारा है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है सेकुलर वेरिएशन, इसमें हम कहते हैं यानी सेकुलर वेरिएशन फॉर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, दीर्घकालिक विचरण। तो दीर्घकालिक यानी वर्ष ही पता चला है बहुत लंबे समय में होने वाला विचरण। तो इसमें हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सबसे बोल ये है कि जो दीर्घकालिक विचरण है यानी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में हमारा समय के साथ साथ हमारे विचरण होते हैं। गाइज आपको फिर बता दूं मैं कि आप साथ के साथ नोट बना, चलिए आपके सर्वे के काफ़ी अच्छे नोट्स बन जाएंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं कि सेकुलर वेरिएशंस की आकी, तो सेकुलर वेरिएशंस का मतलब है कि ऐसा वेरिएशन जो 100 से 150 साल में एक बार डिफाइन किया जाए, और ये हमारा कितना होगा हम पहले से नहीं बता सकते, और सेकुलर वेरिएशंस के क्या क्या रीज़न हैं वो पूरी तरह से अभी तक स्पष्ट नहीं है कि सेकुलर वेरिएशंस के हमारे क्या क्या रीज़न होते हैं। तो सेकुलर वेरिएशन का मतलब है 100 से 150 सालों में यानी बहुत लंबे समय बाद होने वाले विचरण को, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में होने वाले विचरण को हम कहते हैं सेकुलर वेरिएशन। इसके रीज़न अभी तक पता नहीं है, और इसकी वैल्यू में कितनी फिक्स वैल्यू बताई जाए वो ऐसा अभी कोई फिक्स डेटा अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर इतना लिख देते हैं कि 100 to 150 ईयर में जो वेरिएशन होते हैं, जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में वेरिएशन आते हैं उन्हें सेकुलर वेरिएशन कहते हैं। तो ये हमारा पॉइंट था सेकुलर वेरिएशन के बारे में। अब बात करते हैं एनुअल वेरिएशन के बारे में कि हमारा एनुअल वेरिएशन आखिर होता क्यों है। तो देखिए पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और हमारा पूरा अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करती है। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ही हमारा एनुअल वेरिएशन आता है। यानी इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण हमारा जो वेरिएशन आता है उसे हम क्या कहते हैं, एनुअल वेरिएशन
लगाने के कारण होता है। यानी एनुअल वेरिएशन किसकी वजह से हो रहा है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। तो एनुअल का मतलब है वार्षिक, यानी कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में होने वाला ऐसा विचरण जो साल में एक बार यानी एनुअली आधार पर, वार्षिक आधार पर बताया जाता है, उसे हम कहते हैं एनुअल वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, यानी साल में एक बार बताया जाएगा। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि साल में पृथ्वी का एक चक्कर जब पूरा, पृथ्वी का जब एक चक्कर सूर्य के चारों ओर पूरा हो जाता है, तो उसके बाद हमारे मैग्नेट डिक्लिनेशन में कुछ वेरिएशन आता है, और तब हम इसको डिफाइन करते हैं कि मैग्नेट डिक्लिनेशन वेरिएशन कितना हुआ है। तो इसकी एक फिक्स वैल्यू है, लगभग अनुमानित है कि इसका मान एनुअल वेरिएशन का मान, इसका मान 1 से 2 मिनट तक बदल जाता है। यानी जो हमारा एनुअल वेरिएशन, अगर हम बात करें एनुअल वेरिएशन की, तो एनुअल वेरिएशन 1 से 2 मिनट तक हो जाता है। तो ये थी हमारी एनुअल वेरिएशन की। अब बात करते हैं ड्यूरनल वेरिएशन, यानी दैनिक वेरिएशन, यानी दिन में हमारा कैसे कैसे वेरिएशन होता है। तो दिन में वेरिएशन की अगर हम बात करें, तो देखिए जिस टाइम हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वेरिएशन वहाँ पर ज़्यादा होता है। तो इसका रीज़न क्या है? यानी दिन में जो वेरिएशन होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में, उसको डिफाइन करने के लिए हमें बताना होता है ड्यूरनल वेरिएशन। तो अगर हम बात करें वन डे की, तो यानी एक दिन की बात करें, एक दिन में अगर सुबह शाम और दोपहर, सुबह कौमा शाम कौमा दोपहर में से दोपहर का ड्यूरनल वेरिएशन सबसे अधिक होता है। यानी मैंने आपको एक कॉमन हिंट दी यहाँ पर कि जिस टाइम हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का मान हमारा वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी से वेरी कर जाता है। तो ड्यूरनल वेरिएशन की वैल्यू काफ़ी कम होती है, और एक दिन में होने वाले विचरण को, मैग्नेट डिक्लिनेशन में कितना वेरिएशन हो रहा है, उसे हम ड्यूरनल वेरिएशन कहते हैं। और इसका मान सुबह और शाम और दोपहर के कंपेरिजन में, दोपहर में सबसे ज़्यादा बदलता है। तो आखिर कारण क्या है ड्यूरनल वेरिएशन का? तो देखिए, पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना, इसका रीजन क्या है? जैसा हमने पढ़ा पहले एनुअल वेरिएशन क्यों होता? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने कारण से एनुअल वेरिएशन हो रहा था। लेकिन ड्यूरनल वेरिएशन क्यों होगा? 24 आवर में होने वाले वेरिएशन को हम क्या कहेंगे? ड्यूरनल वेरिएशन। क्यों हो रहा है? पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमने के कारण कौन सा वेरिएशन होता है हमारा? ड्यूरनल वेरिएशन आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ढंग से नोट करें। तो ड्यूरनल वेरिएशन क्यों आ रहा है? पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमने के कारण हमारा क्या आ रहा है? ड्यूरनल वेरिएशन। अब बात करते हैं इरेगुलर वेरिएशन क्या होते हैं। तो देखिए, पृथ्वी पर आने वाले जो हमारे ज्वार भाटा भूकंप ज्वालामुखी फट जाते हैं, इसकी वजह से यानी कि कुछ अनियमित तरीके से, कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण, तो भूकंप आने के कारण, ज्वालामुखी फटने के कारण, और कुछ प्राकृतिक ऐसी आपदाएँ आने के कारण, तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो वेरिएशन होते हैं, जो अनियमित तरीके से होते हैं, जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, उन्हें इरेगुलर वेरिएशन कहते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं भूकंप कौमा ज्वालामुखी आदि, यानी ऐसी प्राकृतिक घटनाएं आदि के कारण जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में वेरिएशन आते हैं उन्हें इररेगुलर वेरिएशन कहते हैं। इसका मान हमारा कहां तक हो सकता है? इसका मान
इसका मान 1 डिग्री तक हो सकता है, इसका मान 1 डिग्री तक हो सकता है। तो ये हमारा था मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और वेरिएशन की बात। तो इससे रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का मान कहाँ पर सबसे अधिक होता है। तो इसी में मैं पॉइंट इम्पॉर्टेंट कर लेता हूँ ऐड कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का मान पोल्स की तरफ बढ़ता है, पोल की तरफ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, लेकिन इक्वेटर पर घटता जाता है, इक्वेटर पर घटता जाता है। तो गाइज आपको जितना भी मैंने ये टॉपिक बताए हैं और जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये पॉइंट्स काफ़ी बार पूछे गए हैं कंपटीशन एग्जाम में और इनसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और आपको अगर किसी भी टॉपिक में डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा और इसमें जो भी ऐड हो सकता है उसके रिलेटेड एक कोई वीडियो बनाकर भेज दूँगा। थैंक यू गाइज़।